फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मुसम्मी पर। देखा ये होता है स्टाइल अपना नया वाला इंट्रो, किस किस को पसंद आया। अब देखो आप में से बहुत सारे बंदे सोचेंगे कि चैनल का नाम गलत लेने वाला था, तब उसने चेंज कर दिया ऐसे पुड़ 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 करके। नहीं ये इंट्रो है, नया वाला है ये। और आज हम देखने वाले गाइस कुछ डार्क वेब की चीजें। ब्रो मेरे को ये वीडियो बनाते समय ऑलरेडी पसीने आ रहे हैं लास्ट वाली वीडियो की तरह। तो मैंने पानी और ये पखा साथ में रखा हुआ है, देख रहे हो ना, एकदम करीब से हवा आनी चाहिए। और पानी इसलिए क्योंकि अगर डार्क वेब के ऊपर कोई खतरनाक वाली चीज मेरे को देखने को मिल गई तो मैंने ढक्कन खोल के पानी कंप्यूटर के ऊपर ही फेंक देना है। टर्न ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। ओके गाइस मैं अभी आपको बहुत ज्यादा सीरियस बात बताने वाला हूँ और ये है मेरा सीरियस फेस। मेरे को डार्क वेब से बहुत ज्यादा खतरनाक वाला डर लगता है। लेकिन हम कुछ ऐसी वीडियोस देखेंगे सबसे पहले ताकि जो आपको डार्क वेब के बारे में थोड़ा बहुत बता सकती है। और आज के हम कंटेंट देखेंगे अभी अभी का रिव्यू, टॉप 10 हॉरर मूवीज इन हिंदी एंड इंग्लिश। जैसे मैंने वीडियो देखी ना तो मैं एकदम से लिंक कर पा रहा हूँ कि ये शायद डार्क वेब के साथ थोड़ा बहुत लिंक करती होगी। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बहुत स्केरी है ये वीडियो। मैंने पहली वाली वीडियो थोड़ी सी देखी और मैं पहले मेरी चीख के निकल आई पहली वीडियो। जो कहते हैं कि हमें भूत भूत से डर नहीं लगता, अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं तो इन टॉप 10 मूवीज में से कोई एक मूवी रेकमेंड कीजिए उसे, वो देख के उसकी फटके चार हो जाने वाली है। किसी भी हॉरर मूवी के स्टोरी के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हॉरर मूवी की स्टोरी के बारे में बात करके सस्पेंस ओपन कर देने का पाप मैं अपने सर पे नहीं ले सकता। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 हॉरर मूवीज ऑफ हॉलीवुड। नंबर भाई वो टीवी के अंदर से बाहर आ गई ब्रो। भाई मैंने आज के बाद टीवी ऑन ही नहीं करना, स्पेशली रात को। ग्रेव एनकाउंटर, अगर आपको किसी से खुन्नस है, बदला लेना है तो ये मूवी उसे दिखा दीजिए। जब हमें कोई कहता है कि बेटा वहाँ पे मत जा, वहाँ पे भूत है, तो हम सबसे यार भूत है जिसकी एक चीज बहुत खतरनाक होती है, तो जैसे आपने भूत देख लिया ना तो उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। अभी वो वाली फिगर जो छत के ऊपर लटक के बैठी हुई थी मेरे को बहुत तंग करने वाली है, स्पेशली रात को। जब हमें कोई कहता है कि बेटा वहाँ पे मत जा, वहाँ पे भूत है, बेटे अरे भाई, तो हम सबसे पहले वहीं पे जाते हैं। मूवी के अंदर के कैरेक्टर्स एकदम से सामने आ गया। नंबर 8 पे 1984 की अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। ये मैंने देखी है, ये एक्चुअली मैंने देखी है। आई थिंक इसमें मूवी में क्या, मैं नहीं बताऊंगा, नो स्पॉइलर, आप खुद जाके मतलब कि अगर डर लगता तो मत देखो। 1990s में मैंने पहली बार इस मूवी को देखा था, मेरी बचपन में रातों की नींद उड़ गई थी। इस मूवी के अंदर ये जली हुई शक्ल वाला आदमी सपनों में आता है और कुत्ते की तरह भगा भगा के मारता है, लेकिन जैसे ही इस नाइटमेयर से रियलिटी में आते हैं तो क्या हम कहां से हाथ निकाल रहे हैं भाई, क्या ये। एक काम करते हैं गाइस, स्किप करते हैं और अभी चलते हैं सीधा नंबर 1 की ऊपर। मुझे देखना है कि नंबर 1 की ऊपर जो मूवी है क्या वो स्केरी है कि नहीं। नंबर 1 की मूवी के 17 नॉमिनेशंस है ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब के, जिसमें से 16 अवार्ड्स उसने जीते हैं। 1973 में आई इस मूवी को इंग्लैंड, इंडिया और कई सारे कंट्रीज में बैन करके रखा था। ब्रो ब्रो यो मेरे को नहीं, बैन करो इसको भाई, हेलो। अरे वो दिमाग में मेरे बैठ चुका है, वो छोटी बच्ची ऊपर नीचे हो रही है, ओ माय गॉड। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा यार, मेरा एक्चुअली दिमाग के अंदर बैठ चुका है वो यार। मेरे को रात को सोने से पहले वो मेरे दिमाग में एक बार जरूर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं स्केरी मूवीज के ऊपर रिएक्शन देता हूं या स्केरी मूवीज देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कोई ना कोई देख रहा है, और ठीक मेरे इस तरफ बहुत ही बड़ी खिड़की है और वहीं से मेरे को कोई ना कोई देख रहा है यार। अरे वो सीन मेरे दिमाग के अंदर बैठ चुका है यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, एक बार फिर से मैंने इंटरनेट की डीप वेबसाइट्स के अंदर अपने हाथ डाले और हाथ निकाले तो मैंने 5-6 कुछ खतरनाक वाली वेबसाइट्स जो है मैंने आपके लिए निकाल कर रखी हैं, और उसी वेबसाइट्स को हम चेकआउट करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। तो गाइस अगर आप चैनल के ऊपर नए हो और आपको भी डर लग रहा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लेट्स गेट दिस चैनल 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो एक लाइक कर दो, लेट्स गेट 100,000 लाइक्स। इस मूवी का नाम है द एग्जॉर्सिस्ट। मैंने अपनी लाइफ में इससे ज्यादा डरावना, क्रीपी और भयंकर कुछ भी नहीं देखा है। जो लोग इस वीडियो को लाइक किए बिना जाने का सोच रहे हैं, आप लोगों को आज रात को बहुत जोर की ये कौन सा तरीका प्रमोशन मांगने का, एक तो डरा रहा है, ऊपर से जब बंदा डर जाए उसके अंदर प्रमोशन ठोक रहा है। मेरे को लगा था कि मैं सस्ता प्रमोशन करता हूँ, ये तो मुझसे भी एक कदम आगे निकला। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, हम खोलते हैं अपनी फायरफॉक्स की एक प्राइवेट इनकॉग्निटो वाली विंडो और सबसे पहले वेबसाइट हमारे सामने आती है। चलिए मैं एंटर दबाता हूं, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। ये क्या है, ये कर्सर से, अच्छा
GTA 5 के कर्सर मेरे को दिखा रहा है भाई। हाँ, ये क्या है, व्हाट इज दिस ब्रो? इस सबसेट का एक्चुअली नाम होना चाहिए शरीफों का कर्सर। तो ये है गाइस अपने शरीफ लोगों का कर्सर, लेकिन अगर मैं अपने माउस को ऊपर लेके जाऊं तो ये हो चुका है बदमाशों का कर्सर, देख रहे हो? और गाइस बैकग्राउंड भी लाल हो चुका है भाई, इसका क्या मतलब है मेरे को नहीं पता। तो अगर मैं क्लिक करके देखूं, राइट क्लिक करके देखूं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ड्रैगिंग करके देखूं तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो बस यही है। और अभी इसके बाद एक और वेबसाइट आ रही है जिसका नाम है pointer.com। तो अभी क्या करने वाला, फाइंड द पॉइंटर एंड होल्ड स्टिल। ए हैंग ऑन अ सेकंड, करना क्या है? अच्छा, ये सारी गेम्स मेरे माउस के कर्सर के साथ खेली जा रही है, तो अगर मैं अपना कर्सर यहाँ पर जाके रोक दूं तो क्या होगा, क्या हो क्या रहा है ये? अरे, इन लोगों ने लिटरली वो पॉइंट किया है मेरे कर्सर के ऊपर। अगर अच्छा मैं मूव करूं तो वो मतलब कि ये पिक्चर चली जाएगी। अरे मैं समझ गया, तो जहां पर मैं कर्सर रोकता हूं वो पिक्चर वही कर्सर के ऊपर पॉइंट करेगी। व्हाट, कैसे हो रहा है ये? ओके, इनी मिनी माइनी मो, इनी मिनी माइनी मो, मुझे कर्सर अपना रोकना है यहां पर। लेट्स गो, अगर मैं यहां पर रोकूं तो अरे वेट व्हाट, ओके अभी मुझे कर्सर रोकना है बिल्कुल अपनी फोटो के पीछे। इनको पता लगता है कि नहीं लगता? लीजिए गाइस, मैंने अपना कर्सर जो अपने कैमरे के पीछे रोक के रखा हुआ, और भैंस की आंख, आंटी जी का जो पॉइंट है, जो पॉइंटर है उंगली का, बिल्कुल मेरे कर्सर के एकदम से ऊपर है। ओके, वन लास्ट गो, ठीक है, इसको घुमाते हैं। एक काम करते हैं, मैं बिल्कुल बीच में रखता हूँ, यहाँ पर किसी को पता नहीं लगेगा। इसको ही पता लग चुका है, एक काम करते हैं, बिल्कुल यहाँ टॉप कोने के ऊपर, ये कभी पता नहीं लगा पाएंगे यार। But anyways guys, अभी इसके बाद आती है the useless website, no. ये क्या है? ड्रामेटिक साउंड के साथ। ओके, अभी इसके बाद एक और वेबसाइट आ रही है, इसका नाम है किक एस ऐप। ये क्या करता है ये? अच्छा वेट, वो एक्चुअली गेम है। अरे मैं वेबसाइट डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरी फोटो के पीछे ना एक कर्सर लगा हुआ है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये लिटरली चीजें डिलीट कर रहा है। व्हाट द हेल, इसने भाई पूरा इंटरनेट पाट दिया। अरे भाई साहब, ये फिद्दी रोबोट तो बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, पूरी डिस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर, तो मैं आगे पीछे भी हो रहा हूँ। लिटरली मैं पबजी खेल रहा हूँ, वो भी वेबसाइट के ऊपर, और मेरा टारगेट कौन है? वेबसाइट की चीजें। तो ये सारी चीजें मेरे को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करनी है, और नीचे इन लोगों ने स्कोर बोर्ड देकर रखा है। अच्छा, तुम लोग मेरे को स्कोर बोर्ड दिखाओगे? तो हम यहाँ पे स्कोर बोर्ड भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दो सब कुछ भाई, मेरे को इस वेबसाइट को पूरा डिस्ट्रॉय करना है। और गाइस, मैंने सुना कि आप इस चीज के साथ कोई भी वेबसाइट डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और मेरा बॉम्ब भी आ चुका था। अगर मैं एफ दबाऊं, 3 2 1, come on, ये लो, ये था गाइस मेरा बॉम्ब जिसे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। तो गाइस, मैं ये बोल रहा था कि आप इस वेबसाइट से कोई भी वेबसाइट डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो यार, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके इसको कर्सर को ड्रैग कर लो एंड स्टार्ट शूटिंग। भाई कुछ ज्यादा एडिक्टिव है यार ये, और जैसे आपका गाइस फन खत्म होता है तो रिफ्रेश करोगे तो वो वेबसाइट वापस में आ जाएगी। अब ये मत समझना कि आपने लिटरली वेबसाइट डिस्ट्रॉय कर दी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक गेम है। अरे भाई साहब, ये वाली कौन सी वेबसाइट मैंने यहाँ पर ढूंढ कर रखी है? यू आर अबाउट टू हेलुसिनेट, द वर्ल्ड अराउंड यू विल चेंज शेप। अरे सीरियसली? तो गाइस, ये बोल रहा है कि आपके आसपास की जो चीजें हैं वो एक्चुअली में शेप को चेंज कर देंगी। तो गाइस, आपने मेरे साथ अभी ट्राई करना है। तो अगर मैं स्टार्ट दबाऊं तो ये मेरे को 30 सेकंड के लिए एक छोटी सी क्लिप दिखाएंगे, और मेरे को पूरी क्लिप देखनी है ताकि पूरा इफेक्ट काम करे, और आपने भी ये ट्राई करना, ठीक है। और फाइनल यहाँ पर वार्निंग देकर रखी है, ब्रोस डू नॉट कंटिन्यू इफ यू आर सेंसिटिव टू फ्लैशिंग लाइट्स। तो मतलब कि अगर आपको फ्लैशिंग लाइट्स से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बढ़ती है तो प्लीज आप कंटिन्यू ना करें 30 सेकंड्स के लिए। गाइस, मेरे को ये चक्रीवूह देखने होगा, सिर्फ 30 सेकंड्स की बात है, आप भी देखो मैं भी देखता हूँ। 30 सेकंड्स के लिए हम तो ये कर ही सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो टाइमर मेरा पहुंच चुका है 20 सेकंड्स तक, और मैंने पूरी अपनी ऑरे में फील कर रहा हूँ। ओ माय गॉड भाई, मेरी आंखों में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से रेड कलर की लेजर्स जो है चमक रही हैं। मैं मुझे पता नहीं कि यहाँ पे ब्लिंक करना है कि नहीं करना, लेकिन मैं ब्लिंक करूंगा। 3 2 1, और अगर अपने आसपास देखूं तो ओ माय गॉड भाई, ओके नो जोक, नो कोई जोक नहीं कर रहा, कसम से एक्चुअली काम कर रहा है। ये जो मेरे पैड्स लगी हो ना, ये जो मेरे पीछे पैड्स लगी है, ए मेरी आंखें ठीक कर। और इसके बाद गाइस, एक और वेबसाइट मेरे सामने आ चुकी है जिसका नाम है जूम क्विल्ट, और यहाँ पर मेरे को बोल कर रखा है कि ये वेबसाइट जो है इन्फिनिट जूम करेगी, इन्फिनिट, और हो रहा है। व्हाट, अभी खत्म होगा? अरे यहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है और इसकी आंखें भी वाइट वाइट हैं, बिल्कुल हीरो पॉइंट की तरह। और अगर जूम इन करे तो ये बच्चा यहाँ पे रहता होगा, और अगर यहाँ पर जूम इन करे, भाई पेड़ों के अंदर इसने फोटो बना कर रखी इन लोगों ने, और ये कोई मामूली पेड़ नहीं ब्रो, ये तो शैतानी पेड़ है, देख रही हो क्या मॉन्स्टर ग्री छुपी हुई है पेड़ों के अंदर। और अभी आई थिंक ये इन्फिनिट नहीं है, ये एक्चुअली लूप हो रहा है। अरे नहीं, क्योंकि ये वाली जगह पहले नहीं थी,
कैसे हो रहा है यार ये, कहां कहां पर इन लोगों ने पेंटिंग छुपा कर रखी है। और दूसरी पेंटिंग आएगी यहाँ पर, देखो दरवाजे के अंदर इन लोगों ने बहुत बड़ा सा ड्रैगन छुपा कर रखा है। और जूम इन करेंगे तो मेरे को ऑलरेडी इसके बाद वाली जो पेंटिंग आने वाली है वो मेरे को दिख रही है, बिल्कुल यहाँ पर छुपा कर रखी है ड्रैगन के मुंह के अंदर, आई मीन नॉट ड्रैगन, इस बंदे के मुंह के अंदर। तो यार गाइस ये यहाँ पर इनफिनिट जूम होते रहेंगे। और ये तो कोई डायनासोर भी लगा हुआ है यहाँ पर, व्हाट द हेल। अभी हम जा रहे हैं जुरासिक पार्क से गुजरते हुए बिल्कुल आसमानी सिटी के अंदर, और उस सिटी के ऊपर भी कुछ ना कुछ अटैकिंग यहाँ पर चल रही है। मछलियां हवा के अंदर उड़ रही हैं, मछलियां रोड के ऊपर चल रही हैं, और ये देखो पूरा रोड इन लोगों ने क्रैक करके रखा हुआ है। तो यार इनफिनिट अमाउंट ऑफ जूम हो रहा है भाई यहाँ पर, व्हाट द हेल, इतनी बड़ी पेंटिंग बनाई किसने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो सारा कोड वर्ड है बिल्कुल कंप्यूटर जनरेटेड है और यहाँ से लूप हुआ। ओके मैं समझ गया, यहाँ से लूप हो रहा है, यहाँ से लूप हो रहा है। अभी उस हीरो बनने वाले बच्चे की फोटो आएगी यहाँ पर, ये मैंने स्विंग भी देखा था पेड़ के ऊपर लास्ट टाइम, और यहीं पर खड़ा है अपना हीरो बनने वाला बच्चा। अच्छा मैं समझ गया, तो बेसिकली इन लोगों ने एक लंबी वाली पेंटिंग ली है और इसी के ऊपर इन लोगों ने जूम का फीचर डाल दिया। तो हमें लगता है कि इन्फिनिट जूम हो रहा है, लेकिन नहीं, ये जूम कहीं पर खत्म हो रहा है और फिर से लूप हो रहा है शुरू से। लेकिन टैक्टिक और आइडिया बहुत ज्यादा जबरदस्त है इसका। तो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके देखूं, अच्छा मेरे को वही पेंटिंग दिखा रहे हैं किसी दूसरे एंगल से। अरे What is this bro? Okay, मेरे को लगा था कि हर बार अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो नई नई पेंटिंग्स आएंगी, लेकिन नहीं, ये बोलते हैं ब्रो जितना बजट नहीं होता तो इसी से गुजारा कर लो। तो चलिए गाइस छोटी सी वीडियो में इतना काफी है मेरी डीप वेब वाली सीरीज में। अगर आपको मजा आ रहा है और अगर कंटिन्यू करना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आप भी जाकर कमेंट के अंदर बताइए कि आगे क्या करना है इसका। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।